और मैं सौरभ जाते हैं बहुत सारे प्लेसेस और लेके चलते हैं आप लोगों को भी हमारे साथ। ये जो वीडियो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है हमारे चैनल का। अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे देसी कपल ऑन द गो तो सबसे पहले जो लिखा हुआ आता है वो आता है होम टूर। सबको हमारा घर देखना है तो ये जो वीडियो है ये है होम टूर का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं क्योंकि आपने ये सर्च किया और आपको ये पहला वीडियो मिला है तो वी वॉन्ट टू टेल यू कि हम लोग रहते हैं नेदरलैंड्स में और ये जो घर है ये हम लोगों ने 4 साल पहले अप्रोक्स बाई किया था और हम लोग यहाँ मूव किए थे। उससे पहले 5-6 ईयर्स हम लोग एक रेंटेड अपार्टमेंट में द हेग सिटी में रहते थे और अभी हम लोग हैं एम्स्टर्डम सिटी के आउटस्कर्ट्स में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड हम दिखाते हैं आपको हमारा घर। लेट्स गो। जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है हमारे घर का फ्रंट यार्ड। बहुत हवा चल रहा है तो अंदर चलते हैं। बट यहाँ पे हमने छोटा सा सेटअप कर रखा है जहाँ पे हम इवनिंग में बैठ के अगर वेदर अच्छा हो प्लेन जा रहा है बट अगर वेदर अच्छा हो तो हम यहाँ बैठते हैं और अब बहुत ठंड है इसलिए चलते हैं घर के अंदर। वेलकम टू आवर होम। और घर में अंदर आते ही सबसे पहले आता है ये एरिया। छोटा सा एरिया है उसमें हमने रखे हैं शू बॉक्स तो जैसे ही अंदर आते हैं शूज उसके अंदर डाल देते हैं। और फिर ये है एक हैंगर टाइप्स जहाँ पे हम लोग हमारे जैकेट्स रख सकते हैं। वैसे हम नहीं रखते हैं यहाँ पे जैकेट्स। आई यूजुअली लाइक टू कीप इट क्लीन और ताकि जो गेस्ट आए वो अपने जैकेट्स यहाँ पर टांग सकें। और अगर आप देखेंगे ना देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। हम लोगों ने वर्टिकल लिया है क्योंकि यूजुअली नेदरलैंड्स में बहुत बारिश होता है तो बारिश होती है तो गीली गीली रहती है जैकेट तो अगर हॉरिजॉन्टल ले तो पूरा जो ये दीवार है वो खराब होने लगता है तो इसलिए ये वर्टिकल लिया ताकि अगर गीली भी हो तो इस वुड पीस पे रहे और अगर खराब भी हो तो ये खराब होगा नॉट आर वॉल। सो नाउ लेट्स गो इनसाइड। सो देयर इज दिस पैसेज जो पूरा लिविंग रूम तक के लिए जाता है। वहां पे हमने लगाए हैं ये प्लान तो था मुझे यहाँ पे प्लेन्स चाहिए थे वुडन प्लेन्स बट वो मिल नहीं रहे हैं और जो मिलते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो अभी तो मैंने पॉट्स लगा रखे हैं यहाँ पर और उसमें से ये प्लांट्स और आर्टिफिशियल जो है वो निकल रहे हैं। और ये है इसका भी एक बहुत मजेदार स्टोरी है। हम स्विट्जरलैंड कितनी बार जा चुके हैं बट ये जो बेल आई है ये हम नहीं लेकर आए हैं ये हमारे फ्रेंड्स लेकर आए हैं तो अब इतनी बार जाकर भी स्विट्जरलैंड का ये बेल नहीं लेकर आया हमें हमारे फ्रेंड से मिली। और सेम आगे जाके एक और पॉट लगा है बट यहां पर है एक डोर और उस डोर के अंदर एक टॉयलेट है। स्टार्ट करते हैं ये वर्ल्ड मैप से जो कि हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं शायद वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि आखिर ये वुडन वर्ल्ड मैप लिया कहाँ से। तो ये मुझे सौरभ ने गिफ्ट किया था। मुझे ये बहुत सालों से चाहिए था और बहुत सर्च किया तब ऐसे बनते भी नहीं थे टू बी ऑनेस्ट। फिर फाइनली जाकर हम लोगों को मिला एक साइट पे मतलब मुझे नहीं सौरभ को मिला और उससे भी काफ़ी सौरभ ने बात किया क्योंकि जो स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए थे वो तब अवेलेबल नहीं थे बट अल्टीमेटली ये मिल गया और ये वुडन है और साइट का नाम है HCETSY। आप भी जाके चेक कर सकते हैं और अपने लिए भी ले सकते हैं।
इस वर्ल्ड मैप के नीचे आता है ये फेमस काउच, वाइट काउच, और इसे सारे डिफरेंट कलर्स के कुशन से लगाए हैं मैंने, और ये मैच किया है, किससे मैच किया है वो मैं आपको बताऊंगी। बट बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं तुम्हारे घर में इतनी सारी चीजें वाइट क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो घर का थीम है वो वाइट है, उससे बहुत कामनेस रहती है। और नेदरलैंड्स में आके हम लोगों ने देखा था कि यहाँ सन बहुत ही कम आता है, तो अगर वाइट कलर घर के अंदर होता है तो घर काफी ब्राइट लगता है, अगर आप डार्क कलर लगा लेते हैं घर के अंदर तो फिर वो पूरी जो लाइट होती है ना उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और घर थोड़ा डार्क डार्क लगता है। बट अगर व्हाइट कलर होता है तो घर काफी ब्राइट लगता है, इसलिए आपको हमारे घर में बहुत सारी चीजें व्हाइट कलर की दिखेंगी। इस व्हाइट काउच के दोनों तरफ है लैंप्स, और लैंप्स का जो कलर है अगर आप देखेंगे, इट्स मैचिंग विद आवर वर्ल्ड मैप, इट्स मैचिंग विद द सेटअप दैट हैज बीन डन हियर, एंड इट्स ऑल्सो मैचिंग विद दिस चेयर। दोनों तरफ है वैसे ये चेयर, इधर भी है और इधर भी है, और इससे मैच हो रही है। और इतना आसान नहीं था एक्चुअली ये सब खरीदना, ऐसा नहीं हुआ कि एक बार गए हम लोग शॉप पे और मिल गया, बहुत सारे सिटीज के बहुत सारे डिफरेंट फर्नीचर शॉप पे गए और तब जाके फिर पूरा उसका लॉजिक लगाया कि ये कलर मैच होगा नहीं होगा, और अल्टीमेटली फिर ये सेटअप किया है। ये दो चेयर्स ली हैं और ये काउच लिया है विद कुशंस। बात करते हैं इस टेबल की, इस सेंटर टेबल की। इस सेंटर टेबल के ऊपर जो ये फ्लावर रखा है ये रियल फ्लावर है, और इसका भी फनी स्टोरी है, इसमें अगर हम एक दिन भी पानी नहीं देना तो ये पूरा ऐसे डेड हो जाता है, तो इसमें हर दिन जब मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ ना इसको भी पानी देती हूँ। तो हाँ, इस टेबल की बात कर रहे थे, तो ये टेबल एक्चुअली 3-piece टेबल है, हमने सिर्फ 1 यहाँ पे लगाई है, क्योंकि हमें लगा वो जब खरीद रहे थे तब तो लगा बहुत सही है 3-piece, ऐसे एक बड़ा उससे फिर एक छोटा फिर उससे एक छोटा, ऐसे 3 आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बट बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई कर रहे थे और वो जो रिमेनिंग जो 2 थी वो हम लोग यूज भी नहीं कर रहे थे, तो उसे हटा के स्टोर रूम में रख दिया। अभी वी हैव जस्ट गॉट 1 सिंगल ये टेबल, और है फ्यूचर में कि अगर हुआ तो ये वाला टेबल हम लोग बेच देंगे, मे बी किसी और के घर में ज्यादा यूज हो और थोड़ा डिफरेंट टेबल लेना चाहेंगे, बट अभी के लिए दिस इज आवर सेंटर पीस एंड आवर सेंटर टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्टन्स। तो कर्टन्स देखेंगे तो 3 लेयर्स ऑफ कर्टन्स हैं, और ये वाला जो देखेंगे इसका भी जो कलर है इट्स क्रीमिश एंड देन ब्राउन ऑरेंज विच गोज विद आवर एंटायर थीम, और फिर ये 2 लाइट कलर के कर्टन्स हैं ताकि सन आता रहे, जब भी सन आए एटलीस्ट उसका लाइट तो आता ही रहे। नेदरलैंड्स में है बहुत सारी ठंडी और इसलिए यहाँ पे जरूरत होती है हीटर्स की, तो ये जो दिख रहा है वुड का, इसके नीचे है हीटर और इसको ऐसे खुल जाता है ये, और ऐसे आप क्लीन कर सकते हैं और ये बंद हो जाता है। इधर से हमारा जो मेन गार्डन है वो आ जाता है, बारिश हो रही है अभी तो बाहर तो नहीं जा सकते हैं, बट दिस इज आर गार्डन, और बाहर यहाँ पे अम्ब्रेला लगा के जब समर होगी, जब मतलब सन आएगा और समर्स होगी तो बैठ सकते हैं और सोफा पे आराम से ऐसे कुशन्स लगा के यू कैन एंजॉय सन, बट अभी वी कांट गो बिकॉज इट्स वेरी वेरी विंडी और प्लस बारिश तो हो ही रहा है। काउच के ही सामने क्या होना चाहिए? टीवी। तो ये हमारा टीवी है, काफी बड़ा है, 65 inch का टीवी है। सौरभ को बहुत बड़े टीवी पसंद है, उसका बस चले तो वो और भी बड़ा ले ले, बट दिस इज वॉट वी एग्रीड टू बोथ कि ये हमारा टीवी है, सोनी का टीवी, और ऑफकोर्स टीवी के नीचे होना चाहिए टीवी स्टैंड, तो वो है। और ये जो सारी चीजें खरीदी है ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉप से खरीदी है, अगर आपको चाहिए कि मैंने कौन से शॉप से खरीदी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो फिर आई कैन लेट यू नो। हमारा जो घर है वो कॉर्नर हाउस है और इसलिए हमें मिलती है एक ये विंडो भी, और ये विंडो बहुत ही मजेदार विंडो है। इंडिया में तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसी विंडो होगी, बट इस विंडो के थ्रू आती है बहुत सारी लाइट। अभी तो कर्टन लगा रखा है, ये हमारा सिल्वर प्ले बटन, कल ही इसको अनबॉक्स करके यहाँ लगाया, बट इसे ओपन कर सकते हैं और फिर यहाँ से बहुत सुपर्ब लाइट आ जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि नेदरलैंड्स में लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और है यहाँ पर हम नेदरलैंड्स में रहते हैं तो ट्यूलिप्स तो होने ही चाहिए, तो इसमें है ट्यूलिप्स, और क्योंकि हम लोगों को है वर्ल्ड घूमने का शौक जैसे आपको पता ही है, तो हमारे पास है ग्लोब। इधर ही है डाइनिंग टेबल भी, और ये डाइनिंग टेबल का भी स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट डाइनिंग टेबल है ये,
थोड़ा मिसमैच है अगर ऐसा लोगों को लग सकता है, बट इट हैज बीन डन इंटेंशनली क्योंकि चाहिए था ये कलर विच गोज विद आर थीम इन आर लिविंग एरिया. पर जब अगर सारा चेयर्स ना इस कलर का ले लेते तो काफी डार्क हो जाता. तो फिर लगाया हम लोगों ने दिमाग और थोड़ा इसको क्रिएटिव किया और ली इससे इस कलर की चेयर्स. तो दो चेयर्स इस कलर की हैं, एक चेयर और ये जो हमारे पास है ये एक्चुअली में एक बेंच है. और ये भी सोचा था कि अगर तीन चेयर्स लेंगे तो काफी जगह नहीं बचेगी, सो वी हैड वन बेंच थोड़ा स्पेस बचाने के लिए. और इधर दो चेयर्स हैं और इधर एक चेयर है. सो दैट्स हाउ आवर डाइनिंग टेबल इज. और कलर्स तो मैं आपको बता ही दिए हैं. ये वुड की है, इधर वुड है पूरा और इसके जो लेग्स हैं वो व्हाइट कलर के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट किचन. तो किचन है ये हमारा और किचन पूरा व्हाइट कलर का है एंड इसलिए बहुत डिफिकल्टी है इसे मेंटेन करने के लिए. और अगर आप इंडियन खाना बना रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा, अगर हल्दी गिर जाता है तो इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम. तो हम बहुत केयरफुल है और जब हमारे पेरेंट्स आते हैं ना वो भी इतने केयरफुली बनाते हैं क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि ये व्हाइट कलर है, इसमें कहीं पे भी दाग लग जाते हैं. तो जैसे ही खाना बनता है द फर्स्ट थिंग वी डू इज क्लीन दिस एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इधर है किचन जिसमें मैं खड़ी हूँ और इधर ही है लिविंग एरिया. तो अगर ये गंदा लगेगा तो आप यही बैठे हुए हैं आपको खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा. एटलीस्ट मुझे और सौरभ को घर साफ साफ बहुत अच्छा लगता है. तो हाँ यहाँ पे गैस है हमारे पास, काफी सारे लोगों के पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिक होती है, बट हमारे पास गैस है. वैसे नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट चाहती है कि ये गैस वाले स्टोव्स हट जाए और इलेक्ट्रिक यूज करने लगे. वैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है तो मे बी डाउन द लाइन हम भी हटा देंगे और इलेक्ट्रिक यूज करेंगे. और यह है यहाँ का चिमनी, काफी कम शोर करता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और बहुत सारे ड्रॉर्स हैं इसमें, बहुत सारा सामान है. तो जैसे यह है इसमें क्रॉकरी रखा हुआ है, ऐसे करके सारे ड्रॉर्स में सामान है. इधर है इसके अंदर सारे स्पून्स और फोक्स और ये सब चीजें रखी हुई हैं. और ये है सबसे ज्यादा स्पेशल, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम इसको क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं कि मैं सुबह उठ के 1 लीटर गर्म पानी पीती हूँ. तो ये है जो सबसे ज्यादा यूज होता है सुबह से लेके, और फिर मुझे जब ठंड लगती है तो मेरे पास जो हॉट वाटर बैग्स है तब भी यूज होता है. और मैं दिन भर भी ना थोड़ा गर्म ही पानी पीती हूँ. सो लॉट ऑफ टाइम इन द डेज इसमें हम पानी गर्म करते हैं और पीते हैं इसमें से. और जो दूसरी चीज है वो है ये मशीन जो कि हमने लास्ट ईयर ही ली थी, नेस्प्रेसो की ये मशीन है, कॉफी मशीन. और इसके अंदर क्यूब्स जाते हैं, क्यूब्स हैं क्या मेरे पास, हाँ सो ऐसे क्यूब्स आते हैं इसके. सो ये क्यूब्स आप इसके अंदर डालिए और मस्त आप कॉफी पी सकते हैं, फ्रेश कॉफी. सो ये कॉफी मशीन है इधर जो लगी हुई है, लेट्स कीप इट. तो उधर थी कॉफी मशीन, उसी के सामने है ये फ्रिज, ये एक स्टोरेज स्पेस है, इसमें कुछ नहीं है. तो ये एक फ्रिज है, ये फ्रीजर है, दिस इज आवर फ्रीजर. एंड ये है हमारा ओवन जिसमें हम लोग करते हैं बहुत सारे वेजीज को बेक और केक को बेक, बहुत सारी चीजें बेक करते हैं, लर्न कर रहे हैं, एक्सपर्ट तो इतने नहीं है बट वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस अ लॉट. ये है अगर आपको देखना है तो ये है हमारा डस्टबिन, क्रिएटिव सा डस्टबिन है. एक्चुअली गोज विद आवर किचन एज वेल, तो पता नहीं चलता है कि ये डस्टबिन है क्योंकि सब जगह व्हाइट 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 दिखता है, बट दिस इज आवर डस्टबिन. एंड दिस इज एक्चुअली ये एक ब्रेकफास्ट टेबल है. तो यहाँ पे हाई चेयर्स होनी चाहिए थी बट अगर हम यहाँ पर हाई चेयर्स लगा लेंगे तो पूरा घर बहुत भरा भरा दिखेगा. एंड मुझे और सौरभ को दोनों को घर बहुत भरा भरा नहीं अच्छा लगता है, वी वुड लाइक टू कीप इट थिंग्स एज लेस एज पॉसिबल. तो ये सिर्फ टेबल है जिसे हम जब कोई आ जाता है और जब पार्टी करते हैं तो तब इस टेबल को यूज करते हैं एज एन एक्स्ट्रा टेबल. यहाँ पे जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं या अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे हमारी वॉल ऑफ फेम. ये हमारी वॉल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे बनाया, क्या सोचा. एक्चुअली तो ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं बट जैसे मैंने आपको फ्रिज दिखाया हमारे फ्रिज पे ये मैग्नेट्स लग नहीं सकते हैं. और काफी सारे चीजें सोचने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कैसे हम हमारे फ्रिज मैग्नेट्स को लगाएं. तो फिर
एक बार तो बहुत बड़ी शीट्स मंगा भी ली थी बहुत अच्छी सी ऑनलाइन, बट फिर वो यहाँ इतनी हैवी थी कि वो यहाँ फिट ही नहीं हो सकती थी. फिर देन वी केम अप विद दिस क्रिएटिव आइडिया विच इज वेरी फन एज वेल एंड वेरी चीप एज वेल. ये जो है ये सिर्फ शीट्स हैं स्टील का, देयर इज नथिंग इन इट. गामा करके नेदरलैंड्स में शॉप है, उसमें ये बहुत ही चीप, मुझे अब याद नहीं है शायद 5 यूरोज या 4 यूरोज की ये शीट है. और बस उसे आए और उसे डबल टेप से लगा दिया इन सम गुड वे और उसके अंदर आराम से ये मैग्नेट्स अब चिपक रहे हैं. मैग्नेट्स हैं, कुछ कार्ड्स हैं, कुछ ऑफिस से जो मुझे कार्ड्स मिले हैं वो हैं. सो एवरीथिंग जो भी हम सुविनियर्स कलेक्ट करते हैं, जो कि यूजुअली हमारे फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं, वो इस पे लगा लेते हैं. एंड इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट ब्रिंग्स बैक ऑल द मेमोरीज जो कि हम लोगों ने ट्रैवल के टाइम पे की थी चीज़ें. और जो सारी चीज़ें हैं ना वो ऐसे ही नहीं उठा लेते हैं. तो जब हम सोविनियर उठाते हैं ना वी गिव अ लॉट ऑफ थॉट टू इट कि हमें किस टाइप का सोविनियर चाहिए. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इस सोविनियर की, तो ये मोरक्को का है और ये तजीन है. और तजीन वहीं पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वहाँ पे खाया था इस तजीन में खाना. और हर बार हमारा जो गाइड था उसने हमें इतने सारे अच्छे जगह जो ले गया और इतने सारे जगह पे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेरियन खाना खिलाया. और उसमें स्पेशली जो हमें अच्छा लगा था वो सब इसके अंदर था. तजीन थी, मोरक्कन चाय जो मिलती है वो इसके अंदर थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये लिया. ऐसी हर जो भी चीज़ यहाँ पे लगाई है वो किसी एक थॉट के या किसी मेमोरी के को सोच के यहाँ पे लगी है. अब चलते हैं ऊपर और ये है टिपिकल डच स्टेयर्स. बिल्कुल पतली और नैरो सी रहती है और हमारी तो भी बहुत अच्छी है. अगर आप एम्स्टरडैम के घर जाएंगे तो बिल्कुल पैर भी नहीं फिट होगा, बट दिस इज फार बेटर. और यहाँ पे लगा रखे हैं हमने अपने पूरे फैमिलीज के पिक्चर्स. वैसे मोस्ट ऑफ द पिक्चर आपने इंस्टाग्राम पे देख ही लिए होंगे. और काफी जगह खाली है बिकॉज मेमोरीज और भी बनाना बाकी है, तो और भी लगाएंगे. तो पूरा ऊपर तक लगाने का प्लान है, बट अभी इतने लगाए हैं. जब और मेमोरीज बनेगी तब और पिक्चर्स लगाएंगे. बट आ गए हम लोग हमारे फर्स्ट फ्लोर पे. तो फर्स्ट फ्लोर है और आमने सामने दो रूम्स हैं यहाँ पर. तो पहले खुलते ये रूम, और ये रूम आपने देखा ही होगा क्योंकि इस रूम में हमने बनाया था हमारा ये ये टेबल और चेयर बनाई थी जो कि ऑनलाइन ऑर्डर करी थी. और तब उसमें क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से कि ये टेबल और चेयर किसको मिलने चाहिए. तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए थे, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे चूज किया था. बट अल्टीमेटली यहाँ पर सौरभ का वर्किंग स्पेस है ये. तो सौरभ यहाँ बैठता है और काम करता है अपने ऑफिस का. और कभी कभी मैं बैठ जाती हूँ जब मैं बोर हो जाती हूँ अपने वर्क स्पेस से. मेरा वर्क स्पेस कहाँ है उसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए. और यहाँ भी है कर्टन्स ऑफ कोर्स, और यहाँ से अच्छा व्यू भी आता है. तो सौरभ काम करते करते बाहर भी देख सकता है जब वो बोर हो जाए. तो इस जगह इस जो रूम में सिर्फ यही एक फर्नीचर है हमारे पास, और नीचे है कारपेट. और कारपेट क्रीम कलर का है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हमारे घर का रूल है कि जो बाहर के शूज होते हैं वो कभी भी हम घर के अंदर पहन के नहीं चलते हैं. और इस फ्लोर पे तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं क्योंकि अगर बाय चांस भी ये कारपेट खराब हो गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसे क्लीन करना. बाकी कबर्ड्स हैं इस रूम में क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कुछ भी सामान ऐसा बाहर दिखे. तो सारे कबर्ड्स हैं यहाँ पर. फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक ये चीज़ है जो दिखाई, टेबल चेयर. और बाकी इसके अंदर सिर्फ कपड़े हैं. तो ये सौरभ का कबर्ड है, इसके अंदर सौरभ के कपड़े हैं. यहाँ पे मिरर है इसे बंद कर. हाँ तो सौरभ दिख रहा है. तो हाँ ये मिरर है और ये मेरे कबर्ड्स हैं. और इसके अंदर भी कपड़े हैं, जैसे ये वाला कवर है और इसमें मेरे कपड़े हैं. और बस यही है इस रूम के अंदर. नथिंग नथिंग मोर नथिंग लेस. अब चलते हैं उस रूम की तरफ. और ये जो रूम है, ये रूम है हमारा बेडरूम. और इस रूम में क्योंकि बेडरूम है तो होगा बेड, और कुछ भी नहीं है इस रूम में, सिर्फ बेड है. और दिस इज आर बेड. और बहुत सारे शॉट्स आप पूछते हैं मुझसे कि वो सनसेट के शॉट्स कहाँ से लेते हैं, तो वो ये विंडो है. इस विंडो के थ्रू हम लोग लेते हैं क्योंकि सनसेट
पूरे साल तो नहीं होता है यहाँ पर, बट कुछ मंथ्स उधर होता है उस तरफ, तो सनसेट लेते हैं, तो सनसेट के शॉट्स यहीं से लेते हैं, यहीं से लेटे लेटे यू कैन वॉच सनसेट विच इज़ वेरी मैजिकल. और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कबर्ड्स हैं यहाँ पे, बिकॉज एज आई सेड वी लाइक टू कीप थिंग्स इनसाइड, घर पे बाहर आई लाइक टू कीप इट क्लीन, तो इसलिए कुछ भी और नहीं दिखेगा सिवाय कबर्ड्स के और हमारा बेडरूम. इसी फ्लोर पे दो और चीज़ें हैं, सो लेट्स सी दैट. ये है एक, और ये हमारा वॉशिंग मशीन का एरिया है, तो ये हमारी वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर हम लोग जो भी हमारे क्लीनिंग के जो लिक्विड्स होते हैं वो रखते हैं. और वॉशिंग मशीन और ड्रायर नहीं है हमारे पास. और ये है हमारा वॉशरूम. लेट्स पुट ऑन लाइट्स. तो ये है हमारा वॉशरूम और ये भी बेसिक है, जो चीजें चाहिए सिर्फ वही है. और हाय हाँ, सो वॉश बेसिन है और ये हमारा शावर एरिया है, छोटा सा ही है पर दिस इज आवर शावर एरिया. एंड या ये है हीटर, बाथरूम के अंदर भी हीटर होता है नेदरलैंड्स में, वैसे हर जगह हर जो कंट्री होती है जहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है वहां होता ही है. सो दिस इज आवर हीटर फॉर बाथरूम. या दैट्स इट फॉर आवर फर्स्ट फ्लोर. आ गए हैं टॉप फ्लोर पे, या इसे बोलना चाहे आप सेकेंड फ्लोर या बोलना चाहे एटेक, क्योंकि ये एक्चुअली में एक एटेक है. नेदरलैंड्स के जो घर होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है और फिर सेकेंड फ्लोर होता है जो एटेक होता है. और ग्राउंड फ्लोर के अंदर जैसे देखा ही आपने, लिविंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है और किचन होता है. और उसके ऊपर का जो फ्लोर होता है वहाँ पे यूजुअली बेडरूम्स होते हैं, किड के बेडरूम्स होते हैं. और जो टॉप का फ्लोर होता है उसको आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, स्टोर रूम जैसा बना सकते हैं, अपने वर्क स्पेस के लिए बना सकते हैं, या फिर खेलने के लिए कुछ करना है तो वो कर सकते हैं. जैसे नेदरलैंड्स के लोग डार्ट बहुत खेलते हैं तो यूजुअली उसे डार्ट का रूम बना देते हैं. तो ये है हमारा रूम जिसे हमने बनाया है हमारा वर्क स्पेस, मतलब मेरा वर्क स्पेस. सौरभ का नीचे था जैसे आपने देखा, तो ये मेरा वर्क स्पेस है. अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो इसके पिक्चर्स आपने बहुत बार देखे होंगे. ये है मेरी जगह जहाँ पे मैं बैठती हूँ और ऑफिस का पूरा काम करती हूँ 9 to 5. और ये पेंटिंग्स भी अगर आप मुझे लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे होंगे ना इंस्टाग्राम पे, तो ये पेंटिंग्स भी देखी होगी. ये पेंटिंग्स मैंने बनाई थी लास्ट ईयर. मैं कोई इतनी अच्छी पेंटर नहीं हूँ बट आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई, इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई थी. और इसमें से मेरी फेवरेट है ट्यूलिप्स और विंडमिल वाली, क्योंकि वो सबसे बेस्ट आई थी और वो थर्ड पेंटिंग थी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला बनाने का. तो ये है मेरी स्पेस और इधर भी है मिरर और ये है एक बीन बैग जिसपे मैं जब थक जाती हूँ ना ऑफिस का काम करते करते, तो इस बीन बैग पे बैठ जाती हूँ. और एक और बेटर बीन बैग चाहिए जो मेरे दिमाग में है, तो मे बी कभी खरीदेंगे. और यहाँ पे कुछ चीजें लगा रखी है. सबसे पहले ये मेरी मॉम की पिक्चर है, सो दिस इज माय मॉम. और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि मेरी मॉम को मैं अपने वीडियो में क्यों नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम है नहीं. उनका एक्चुअली वी लॉस्ट हर बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बट या वो कभी और बात करेंगे. ये एक अभी गिफ्ट दिया है हमारे फ्रेंड ने और ये घड़ी है और बहुत ही हम जो चीज करते हैं उससे रिलेटेड थी, कैमरे की वाली घड़ी. सो आई रियली लाइक दैट. और इसका सेल मैंने अभी निकाल के रख दिया है क्योंकि ये टिक 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 आवाज बहुत कर रही है. तो और मुझे है ना घड़ी में टिक 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 वो आवाज अच्छी नहीं लगती है, तो अभी इसलिए मैंने उसका सेल निकाल दिया है. और ये है हमारे डच घर. यूजुअली देखिए आप डच घर ऐसे होते हैं, ये होता है ग्राउंड फ्लोर, ये होता है फर्स्ट फ्लोर और ये एटिक. हमारा घर भी ऐसा ही है. और ये हम जब केएलएम में आए थे ना इस बार, तब हमको ये घर मिले थे. और पीछे है साइकिल, डच फेमस साइकिल जो यहाँ के लोग चलाते हैं. आप देखते ही होंगे नेदरलैंड्स जब भी आता है तब साइकिल की बात करते हैं, तो वो है साइकिल. और यहाँ पर है प्लांट. नीचे का प्लांट रियल था बट ये प्लांट फेक है, क्योंकि रियल प्लांट्स जो है उन्हें मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और बट ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वैसे का वैसे ही रहता है तो इसलिए मैंने लगाया है. ये फेक प्लांट है वैसे. और ये कुछ नोट्स हैं मेरे यहाँ पर. और इधर है ये जो ट्रे टाइप्स है, इसके अंदर कुछ चीजें लगाई है जो मुझे ऐसे ही कई कई चीजें अच्छी लगी थी वो खरीदी थी. जैसे बात करते हैं इसकी, तो इसको अगर आप देखेंगे ना, इसको सन के पास ले जाते हैं
ये एक एक्चुअली स्टोन है जो मोरक्को में लिया था हम लोगों ने, और इसके अंदर शाइनिंग आती है और सन के पास जाते ना तो ऐसे शाइन करता है, इसलिए लिया था. और ये पूरा ऐसा बंद हो जाता है, सी, सो दिस इज द स्टोन. और ऐसे खोलेंगे तो इसके अंदर से ऐसे शाइनिंग निकलती है. हाँ, तो ये है. और कुछ रोजेस, क्योंकि एटिक है तो क्या हुआ, इसे सुंदर तो कर ही सकते हैं. तो ये है यहाँ पे रोजेस. और आपको एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो रेड चीज है. तो हमने हमारे घर पे लगा रखे हैं सोलार पैनल्स, 10 सोलार पैनल्स लगा रखे हैं हमारे घर पे, और ये उसी की जनरेटिंग वाली मशीन है. तो ये है हमारे पास. और जो नीचे है वो है रूम्बा, हमारा वैक्यूम क्लीनर, जिसे हम स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट हो जाता है क्लीन करने के लिए और वो चलने लगेगा और वो क्लीन करने लगेगा. और ये रूम्बा जो है इसका नाम भी रखा था हमने जेरी, क्योंकि ये जेरी की तरह भागता रहता है. और बंद कर देती हूँ, नहीं तो मेरी आवाज़ की तरह उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी. तो काफ़ी यूजफुल है ये, क्योंकि ये खुद ही अपना ढूंढ ढूंढ के क्लीन कर सकता है. वैसे हमारा रूम्बा ऑलमोस्ट 5 ईयर्स पुराना है, अब तो और भी एडवांस्ड वर्जन आ गए हैं, बट दिस इज अ गुड बाय. और एटिक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अंधेरा रहेगा. यहाँ पर भी है पूरा लाइट का सोर्स. तो अगर आप वही मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करोगे ना, तो बहुत सारी वीडियो में इसको खोल कर भी शूट करती हूँ, और यहाँ से भी बहुत सारा लाइट आता है. ये पूरा ओपन हो जाता है, इनफैक्ट इसे खींच के पूरा खोल भी सकते हैं. तो यहाँ से काफी लाइट आता है. और आई शो यू, इसको ऐसे ऊपर जाओ और ऐसे ओपन कर दो, सो इट बिकम सो ब्राइट. और चाहे तो इसे खोल देंगे तो फिर ये पूरा ऐसे ओपन भी हो जाएगा. जो सौरभ ने खोल दिया है तो इस तरीके से ये खुल सकता है. और जो हवा आती है, यू विल लव इट, लाइक एटलीस्ट आई लव इट. इतनी जोर से हवा आ रही है यहाँ पर, और यहाँ से जो व्यू आता है ना वो भी बहुत अच्छा आता है. तो मैं कई बार जैसे खड़े होकर यहाँ से व्यू देखती रहती हूँ. We have closed it, क्योंकि बहुत हवा चल रहा है और बारिश भी हो रही है, आपको पता ही है. तो ये भी है एटिक, अंधेरा नहीं रहता है, बहुत ब्राइट रहता है. हमारे घर में हमने बहुत ज्यादा सामान ऐसे भर के नहीं रखा है. वी बोथ लाइक टू कीप थिंग्स मिनिमम, जो बिल्कुल ही रिक्वायर्ड है वही चीज हम रखते हैं. और क्योंकि हर जगह कबर्ड्स भी हैं तो वो भी हमारे मोस्टली खाली ही रहते हैं, उसमें कोई ज्यादा सामान है नहीं, कपड़ों के और ऑफिस स्टफ के अलावा. सो वी हम लोग ट्रेवल तो बहुत करते हैं, बट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कम बैक टू अवर ब्यूटिफुल होम. क्योंकि ये जो घर है हमने बनाया है बहुत ही प्यार से और बहुत थॉट देकर, ताकि हम ट्रैवल करके जब भी आए यहाँ पर तो ऐसा ना लगे कि कहाँ आ गए. एटलीस्ट यहाँ आकर भी हमें वैसा ही फील हो जैसे हम ट्रैवल कर रहे थे, तब रिलैक्स थे, वैसा ही यहाँ आकर भी वैसा ही कामनेस लगे, वैसा ही रिलैक्सेशन लगे. इसलिए कलर्स भी आप देखेंगे ना तो उसी टाइप के कलर्स भी हमने यूज किए हैं अपने घर के लिए. और लाइट भी इसलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर जगह आपको घर ब्राइट भी नजर आएगा. इस वीडियो की डिमांड आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे. जब भी हम लोग कोई वीडियो प्रीमियर करते थे, कोई ना कोई जरूर पूछता था कि होम टूर वीडियो कब आ रहा है. सो वी होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो. तो इसलिए आप थम्स अप जरूर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल का नाम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि जो हमारी ट्रैवल सीरीज है वो सब लोग देख सकें और प्लान कर सकें, और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो ट्रैवल सीरीज को एंजॉय कर सकें. आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है देसी कपल ऑन द गो, और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मेग्ज़. सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय.